बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरक्षण पर पेश हुए विधेयक पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के प्रति कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके कई परिणाम आपको बता दें कि मौजूद भी है, ये भी बात कही। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पहले से लागू 58% आरक्षण बचा नहीं पाई। आरक्षण के प्रति बदनीयत की वजह से कोर्ट में पैरवी के लिए वकील तक नहीं भेजे। पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनने के लिए कांग्रेस ने स्वयं अपने आदमी को भेजा और जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रोक लगी तो उस व्यक्ति की ताजपोशी हुई और उसे कबीर शोधा पीठ का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वाले को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस सरकार के ही दिग्गज मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया, आदिवासियों का आरक्षण छीनने वाले को आयोग का अध्यक्ष बनाकर गलत किया गया। कांग्रेस के ही नेता लगातार आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाते रहे, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक पद्मा मनहर और वरिष्ठ नेता पी आर खूंटे भी शामिल रहे। बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने बीजेपी को आदिवासियों और शोषित वर्ग की हितैषी पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा हाईकोर्ट में ठीक से पक्ष न रखने के कारण जब से आरक्षण छीना तब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रदेश में चक्का जाम किया। भाजपा के विधायक सांसद वरिष्ठ पदाधिकारी पैदल मार्च कर राज्यपाल से गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और आरक्षण बिल को पारित किया, पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया। यह आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के कारण पारित हुआ है, हमने इसको अपना समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से इसे पारित कराया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि सावित्री मंडावी पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी की पत्नी हैं, जो कि उनके विधानसभा की जनता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षक के पद से त्याग पत्र देकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनोज मंडावी के विकास कार्यों को पूरा करने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी ने बीड़ा उठाया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चारामा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के समर्थन में भव्य रोड शो किया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर चौक से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया। उनकी रैली में समता रंगमंच से पंडित दीनदयाल चौक सदर बाजार होते हुए डॉक्टर रमन सिंह की रैली भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंची। डॉक्टर रमन सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम किया। यहां से रैली कोर चौक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। साथ ही साथ रैली में उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साहब ने लखनपुरी और भीरा गांव में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को आशीर्वाद देने की अपील की। बाइक रैली और जनसंपर्क के बाद सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि एक ओर आज सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट भूपेश सरकार के खिलाफ वोट देकर सरकार को सबक सिखाएं। भूपेश बघेल ने अपना दौरा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि जिला का घोषणा ना करना पड़े कि भानु प्रतापपुर के साथ धोखा है। जिले यहाँ के युवा जिला चाहता है, यहाँ के व्यापारी जिला चाहता है, यहाँ के कर्मचारी जिला चाहते हैं और उसने भी कहा था
मगर जिले के निर्माण की बात को अभी तक टाल के रख के इस बार मतदान में एक एक वोट डाल के भूपेश से बदला लेना है कि नहीं। रायपुर में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की बैठक हुई। बैठक में अकादमियों और शोधपीठ के अध्यक्ष एवं सदस्य विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री भगत परिषद के उपाध्यक्ष हैं और मंत्री भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए कार्यों तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए जाने वाले कार्य योजनाबद्ध के संबंध में बिंदुवार चर्चा हुई और साथ ही साथ बैठक में अकादमियों और शोधपीठ के अध्यक्षों और सदस्यों ने कला संस्कृति की अलग अलग विधाओं को संरक्षित करने और उनके विकास और नए शोध के संबंध में अपने अपने कार्य योजना को पेश किया है। साथ ही भगत ने संस्कृति विभाग का एक अलग लोगो तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि आगामी 10 दिसंबर तक जिलों की नई कार्यकारिणी समिति और कार्य समिति के अलावा प्रदेश के सभी मोर्चों की टीमों का गठन भी हो जाएगा। बता दें कि 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक के बाद आगामी 10 दिसंबर तक इन तमाम बातों से पर्दा उठ जाएगा। भाजपा की जनपद स्तरीय कार्य समिति और प्रदेश के सभी मोर्चों पर किन किन को जिम्मेदारियां मिलने वाली है। हमने शुरू में ही कहा कि 10 तारीख तक, क्योंकि 5-6 को हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक है और 8-9-10 तीन दिनों में हम अपने जिले की पूरी कार्य समिति और हमारे प्रदेश के मोर्चों की पूरी टीम ये हम गठित कर देंगे। उसके बाद हमारे मंडलों की जो अध्यक्ष है उन्हें बनाने का आगे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मदरसों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने देवभूमि में अवैध मदरसे बंद करने की मांग भी की है। वहीं उत्तराखंड सरकार के धर्मांतरण कानून का स्वागत करते हुए साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है। दरअसल उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार को और आदरणीय धामी जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ। और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है भाई, और देवभूमि में ये कानून बहुत जरूरी था। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने, अपने लोगों ने, आदरणीय धामी जी ने पूरा किया है, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। क्या और सलाह देना चाहेंगे मदरसों को लेकर कानून? देखिए, जो अवैध मदरसे उन पर तो बैन लगना चाहिए। ये देवभूमि है ना, उत्तराखंड है, और देवभूमि में अवैध मदरसे और मदरसों में कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं निकल रहा है। ज्यादातर आतंकवादी कनेक्शन इन मदरसों में निकलते हैं, इसलिए ये बंद होने चाहिए। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में एक सरफिरे ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर सरिये से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपित ने खुद को पुलिस को सूचना दी और मौके से फरार हो गया। बता दें कि महिला और आरोपित दोनों ही शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव के निवासी हैं। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। बैठक में पार्टी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई है। खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक की गई थी और मीटिंग के बाद बताया गया कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर यात्रा, जिला स्तर पर अधिवेशन और राज्य के स्तर पर अधिवेशन किया जाएगा।
जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और ऐसे में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रियंका गांधी हर राज्य में महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। राजस्थान के सीकर में शनिवार को दिन दहाड़े हुए राजू ठेहट हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों को झुंझुनू के गुड़ा गांव से पकड़ा गया है। आरोपी पिछले एक महीने से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद प्रदेश में माहौल गर्म हो गया है। पुलिस के खिलाफ सीकर में नारे भी लगने लगे थे और विधायक मुकेश भाकर धरने पर बैठ गए थे। बता दें आपको कि पुलिस ने कल ही दावा किया था कि सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। ठीक 24 घंटे के अंदर सभी पांचों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पांचों में तीन हरियाणा के भिवानी जिले के और दो सीकर के रहने वाले हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच अब राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के साथ आज रात झालावाड़ में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मतभेद खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। एक तरफ गहलोत पायलट गुटों में खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब और ज्यादा सियासी बवाल बढ़ने लग गए हैं। बताया भी जा रहा है कि यात्रा की एंट्री से पहले ही राज्य में पोस्टर वार शुरू हो गए हैं। एंट्री पॉइंट पर राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की तस्वीरों के पोस्टर नजर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वह जमकर राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यात्रा लगभग 15 दिन तक राजस्थान में रहेगी और कुल 7 जिलों को कवर करेगी। राजस्थान में कुल 520 किलोमीटर तक ये यात्रा जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि यहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और उल्टी दिशा में आई कार के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में एक तरफ जहां दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई तो वहीं उसमें सवार 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इन दोनों घायलों को बता दें आपको कि मुस्करा सीएससी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इनकी हालत को नाजुक देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फतेहपुर जिले के हरिहरगंज निवासी दीपक मिश्रा अपने पड़ोसी आशीष कुमार भाभी और पंचायत सचिव अंजू के अलावा भाभी की मां सत्या को लेकर अपने स्कॉर्पियो से मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा महारानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जखेड़ी गांव के पास पहुंचे, अचानक से सामने से उल्टी दिशा में एक कार आ गई। दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा थी और ऐसे में एक दूसरे को बचाने में दोनों गाड़ियां अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। दिल्ली के एम्स अस्पताल का सर्वर 11वें दिन भी डाउन रहा। वहीं सफदरजंग अस्पताल में भी साइबर अटैक का मामला सामने आ गया है। हालांकि इस साइबर हमले में अस्पताल की सर्विस को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना एम्स को पहुंचा था। खबरों के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल में मरीजों की ओपीडी मैनुअल सिस्टम के जरिए ऑपरेट की जाती है, इसीलिए यहां एम्स जैसी गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई है। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीएल शेरवाल ने कहा है कि यहां एक साइबर हमला हुआ था, हमारा सर्वर भी डाउन हो गया था, लेकिन डेटा सुरक्षित था। इसे ITNIC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसने सिस्टम को ठीक किया। डॉक्टर शेरवाल ने कहा है कि साइबर हमला रैन समवेयर नहीं था और अस्पताल के एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि आईपी को ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया है कि नवंबर में केवल एक दिन के लिए सर्वर कुछ समय के लिए डाउन हुआ, लेकिन बाद में वो फिर से चालू हो गए।
केरल हाई कोर्ट ने शनिवार को पहली बार यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया है। दरअसल सबरीमाला और मलिकपुरम मंदिरों के मुख्य पुजारियों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले श्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट शनिवार को विशेष तौर पर बैठा। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक सिजित टीएल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद अदालत ने कदम उठाया और विशेष सुनवाई के लिए बैठी। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजीत कुमार की बेंच की विशेष बैठक को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।